हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी का, जो ये बड़ा सा मूव आया है। आज मार्केट ओपन हुआ और ये डाउन ट्रेंड पे चला गया पूरा। तो इसका जो बड़ा सा मूव आया है, इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, एक ये ट्रेंड लाइन है, एक यहाँ पर टच हुआ है, फिर यहाँ टच हुआ है, यहाँ पर थोड़ा और यहाँ पर, और ये हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे डाउन ट्रेंड का। एक ये देखिए, तो जब भी अगर बाय चांस हमको एंट्री लेना है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते, इतना बड़ा सा मूव आया है एक यहाँ पे अप ट्रेंड का। तो सपोज कीजिए हमको यहाँ लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना है, तो यहाँ जैसे ही टच करेगा, ये हायर हाई कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप करेंगे और एस एल यहाँ पर रखेंगे, और टी पी इस ट्रेंड लाइन का जो है यहाँ पर रखेंगे। 1:2 का रेशियो का टीपी रहेगा, और देखिए ये कैप्चर हो गया है। इसी तरह आप भी अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बहुत ही अच्छा अच्छा मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड आया, जैसे ये कैंडल हुआ, रिटेस्ट किया, एक रिटेस्ट किया, और यहाँ अब फिर से रिटेस्ट करा, तो यहाँ ज़्यादा चांस है कि ये फेक आउट ब्रेकआउट हुआ है, मीन्स फेक ब्रेकआउट हुआ है और ये डाउन ट्रेंड की ओर जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप कर सकते हैं आप, एस एल रख देंगे इसका हाई, और टीपी आप रखेंगे, टीपी यहाँ रख दिए, ये भी 1:2.5 का टीपी रहेगा, बहुत ही अच्छा मूव। एस एल देखिए आपका जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा तो बहुत ही छोटा होगा, और टीपी हिट होगा तो बहुत ही बड़ा होगा, चांसेस आपका अकाउंट को ग्रो होने का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि कल का मार्केट था, गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर और डाउन ट्रेंड की ओर गया, तो देखिए यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ, तो अब देख सकते हैं कि कल का मार्केट जो था, एक बार रिटेस्ट किया, दो बार रिटेस्ट हुआ, तीसरा बार रिटेस्ट हुआ, चौथा बार रिटेस्ट हुआ, और ये अप की ओर चला गया। तो इसी तरह आपको एक मूवमेंट मिल जाता है मार्केट का 5 मिनट का चार्ट में, कि किस तरह का मार्केट चलेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर आप लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप करते, यहाँ पे टच किया था, तो आपका एस एल रहता है इसके नीचे, इस वाले जो लो है इसके नीचे एस एल आपको रखना है इसके नीचे, और इसका टीपी जो रहेगा यहाँ तक रहेगा। क्यों रहेगा यहाँ तक, क्योंकि देखिए प्रीवियस हाई यहाँ पे, इतना बड़ा सा मूव आया, लेकिन हमको टीपी रखना है हमेशा प्रीवियस हाई के पास, की ज़्यादा चांसेस रहता है टीपी हिट होने का। देख सकते हैं आप निफ्टी में टीपी हिट हो गया है। इसी तरह का और भी ट्रेडिंग सेशन लर्निंग जानने के लिए आप इस तरह का वीडियो मेरे चैनल में और भी देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा कि किस तरह आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मूवमेंट कैप्चर करना। फिर प्रीवियस डे का भी आप देख सकते हैं, देखिए ये लोअर लो है, यहाँ पे लोअर लो है, यहाँ लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बन गया, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर हाई बना है, ठीक है। तो इस मूवमेंट में आप इतने सारे जो लोअर हाई बन रहे हैं, यहाँ पर आप ईजिली टीपी कैप्चर कर सकते हैं। जैसे देखिए आप एक यहाँ पे इसका जो टीपी रहेगा स्ट्रेट लाइन के, एस एल रहेगा स्ट्रेट लाइन के नीचे रहेगा, और टीपी जो रहेगा इस जगह पे रहेगा प्रीवियस हाई पे। देख सकते 1:1 के अप्रॉक्स का आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो टच हो रहा है, और देखिए डाउन ट्रेंड की ओर ब्रेक किया, फिर कल डाउन ट्रेंड की ओर ब्रेक किया मार्केट, और कितना अच्छा रिटेस्ट करके फिर से नीचे की ओर चला गया मार्केट। ट्रेंड लाइन का जो भी ट्रेडिंग करते, जैसे देखिए अभी लाइव ट्रेडिंग चल रहा है निफ्टी में, कितना अच्छा कैप्चर हो रहा है मोमेंट, यहाँ से हम ट्रेड लिए थे और ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो जब भी ट्रेंड लाइन का जो भी ट्रेड करते हैं, आप देखिए कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग। जो भी जान गए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, उनका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है मार्केट में। ऐसे ही और भी मूव कैप्चर करने के लिए इस वीडियो को, इन फ्यूचर आप देखिए मेरे वीडियो को, और भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।